चीन और पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पीएलए की वेस्टर्न और सदर्न कमांड में पाक सैनिक शामिल हैं। अब पाकिस्तान को चीन के सैनिकों की जरूरत है। कर्नल रैंक के अफसर पीएलए के साथ कॉम्बैट प्लानिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग स्ट्रेटजी का जिम्मा उनको सौंपा गया है। बीजिंग के पाकिस्तानी दूतावास में भी 10 पाकिस्तानी अफसर तैनात कर दिए गए हैं। तो ये चीन को अब पाकिस्तान ने क्या अपना मुल्क सौंप दिया है। अब कॉम्बैट प्लानिंग ट्रेनिंग भी सब चीन से ही हो रही है। यहाँ पर त्रिपाठी साहब, यहाँ पर कर्नल रैंक के लोग जा रहे हैं वहां? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस इलाके में आपको पता है कि चीन ने फरवरी मार्च अप्रैल में जब उसने हमारे साथ किया था कि समझौता कि हम पीछे हटेंगे और हम आपस में ये बात करते रहेंगे, उस समय सबसे ज्यादा अगर मात खाई थी तो कर्नल और नीचे वाले जो उनके सैनिक थे वो जो है सबसे ज्यादा मात खाए थे हमारे सैनिकों के सामने। वही पकड़े गए थे, उन्हीं की वजह से कभी चीन ने जो सोचा नहीं था वो उस समय हुआ था। और इस समय इसीलिए इनको शायद जरूरत पड़ी है कि पाकिस्तान की मदद लें अपने नीचे वाले सैनिकों को कुछ बताने के लिए या उनको ट्रेन करने के लिए। लेकिन मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ, जो सीज फायर उल्लंघन की बात हुई है, अगर हम जाएं उसमें पीछे तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा सीज फायर उल्लंघन 2020 में हुआ था, जिसमें 5000 बार तकरीबन सीज फायर उल्लंघन हुआ था। और इस साल अभी तक नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि जो फरवरी में एक समझौता हुआ था डीजीएमओ लेवल पर, जो हर हफ्ते बातचीत होती है, एमएम नरवणे ने भी कोट किया कि 25 फरवरी को हुआ था। लेकिन मैं एक पॉइंट डालना चाहता हूँ, क्यों हुआ था समझौता जी, पाकिस्तान ने क्यों किया था? क्योंकि ये 2 हफ्ते बाद हुआ था जब हमारा चीन के साथ समझौता हुआ था। जब पाकिस्तान को पता था कि चीन को मुंह की खानी पड़ी हमारे सामने, तो उनको लगा कि नहीं, अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे हिंदुस्तान की फौज के साथ। तो एक तो ये सबसे बड़ा रीजन था कि उन्होंने कहा कि अगर हमें रहना है तो हमें इनके साथ समझौता करके रहना पड़ेगा। लेकिन अभी जो बात हुई है, हो सकता है शायद मैं इसका एक और यहाँ पर दूसरा एक सवाल, यहाँ जो दूसरा एंगल है वो अचल सर से पूछता हूँ। अचल सर, मुझे ये बताइए, जिस तरह से चीन को भारत ने जवाब दिया है, जिस तरह से एकदम मिरर डिप्लॉयमेंट की है, एक के बाद एक तमाम हथियार एलएसी पर पहुंचाए गए हैं, क्या ये पाकिस्तान में खलबली पैदा करता है कि अगर चीन, जिसको उसने बिल्कुल अपना आखा मान लिया है, उसको भारत इस तरह से आईना दिखा रहा है और उसको इस तरह से उसने कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो क्या ये पाकिस्तान में खलबली है कि हमारा क्या होगा? हम भारत के साथ खड़े होने की, भारत के बराबर खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत ने तो एशिया की जो सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है उस तक को कंट्रोल कर रखा है। देखिए गौरव, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान इस बात को बहुत पहले से समझ चुका है कि कन्वेंशनल वॉर वो भारत के साथ कभी भी किसी भी हालत में जीत नहीं सकता। उसी के वजह से वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ा रहा है। अब जो उनके आका हैं चाइना, उन्होंने ये एक किसी गलत फहमी में आके गलवान घाटी जैसा जो उन्होंने एपिसोड किया और उस समय जो उन्होंने एग्रेशन दिखाया, उन्हें लगा कि भारत शायद बहुत पीछे हट जाएगा, दब जाएगा, डर जाएगा और उनके एग्रेशन से घबरा के वो जो भी अपने ग्रुपिंग क्वाड की तरफ हाथ बढ़ा रहा है उससे पीछे हो जाएगा, या जो चाइना के साथ इकोनॉमिक फील्ड में जो वो कर रहा है, रोक टोक लगा रहा है, उससे पीछे हट जाएगा। लेकिन जिस दृढ़ता के साथ भारत ने, जिस पेशेंस के साथ भारत ने उनका मुकाबला किया, मिरर डिप्लॉयमेंट करी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते ही बनाने में और तेजी लाई, तो चाइना को एक स्टेज पे आके ये रियलाइजेशन हो गई कि अब जो है ये भारत वो नहीं है जो उन्होंने गलत भारत और ये दुनिया ने देखा है सर। आंकलन किया था वो गलत किया। मैं आ रहा हूं, जो भबकियां देते हैं टू फ्रंट वॉर की या न्यूक्लियर वॉर की, ये सारी की सारी जो है अब इन्हें रियलाइजेशन हो गई है कि इन गीदड़ भबकियों से भारत नहीं डरने वाला। भारत टू फ्रंट क्या, टू एंड हाफ थ्री फ्रंट पे भी लड़ने के लिए तैयार है। हरीश नवाज, न्यूक्लियर हरीश नवाज कुछ कह रहे हैं इस पर, एक छोटा सा रिएक्शन उनका ले लेता हूं। हरीश नवाज क्या कह रहे हैं? मुझे ये बताएं, आपकी फौज को चाइनीज ने डंडों से मारा और 30-40 मौजी आपके मार दिया, कर्नल को पहाड़ से दरिया में फेंक दिया, ये तो आपकी फौज की क्यों? नहीं, और चाइना की फौज का क्या हुआ ये आपको नहीं मालूम? फौज को कुछ भी नहीं, चाइना की फौज का क्या हुआ हरीश नवाज, ये आपको नहीं मालूम? आपका हजारों चाइना ने कवर कर लिया, आप नहीं देख रहे, हजारों में थे, आपके नेपाल आपके खिलाफ खड़ा हो गया, आपको तो नेपाल खड़ा हो गया आपके खिलाफ, आपके सामने आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान को चाइना ने वायलेट किया तो उन्होंने मुंह की खानी पड़ी, आपने गिना है, गिनती करी, उसके बाद चाइनीज कितने मारे गए? आप चमड़ों को मार सकती है बस, ये अनफिट हो। और आपकी फौज ने लड़ाई कौन सी की है? एक भी लड़ाई नहीं की कतर के बाद। इसे छोड़ दें इस बात को,
आपके पायलट को पकड़ लिया, छोड़ दिया, दो मिनट में छोड़ दिया। एक मिनट, एक मिनट, के सिन्हा साहब, के सिन्हा साहब, असल सर के सिन्हा कुछ बोल रहे हैं, के सिन्हा क्या करें? ये जो नवाज साहब है ना, हाँ। ये कारगिल के हाइट में आए थे, हाँ। ये भगोड़े हो गए वहां से, ये भाग गए, दुम दबा के भागे, और कैसा पिटाई हुआ, ये कहते हैं 71 के बाद, और डेली मारे जाते हैं। आपको कहते हैं पाकिस्तानियों को कि आप जो आए हैं, जहां जाते हैं, आप बोलना चाहते हैं, पाकिस्तान की टीवी में भी आपकी चलती नहीं, क्योंकि क्या करते हैं, बड़े हो गए, आप तो कहते हैं कि मैंने आपको तो शर्म से पड़ते हैं, आप डिबेट नहीं कर सकते। हारिस नवाज, भारत तो वो मुल्क है, जिसने पाकिस्तान की ज्योग्राफी चेंज कर दी, दो टुकड़े कर दिए, और आप यहाँ पर राग अलाप रहे हैं कि हमने ये जंग लड़ी। अरे चार चार जंगे हारे बैठे हैं आप, पूरी दुनिया को इस मालूम है, कारगिल वॉर में आप भाग के गए। चलिए मैं इस पर नहीं आऊंगा, ये सबको मालूम है, मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।